देखिए डोडा की ये पावन धरा, जहाँ पर रुचिर कुमार से लेकर परिहार बंधुओं तक के लिए, ये जिन लोगों ने इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उनको स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को अपने हृदय में सदैव समाहित करने के संकल्प के साथ में, आतंकवाद के साथ में हम मुखरता से उसका अतीत से लेकर वर्तमान तक हम उसका कड़ा मुकाबला करते आए हैं। ये कुछ जिहादी ये कायरतापूर्ण बर्ताव, पीठ पे आकर सिलेक्टिव टारगेट सेलेक्ट करना और फिर सिलेक्टिव किलिंग्स, तो इन लोगों के अंदर वो दम नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा बलों के साथ में दो दो हाथ कर सके। लेकिन मुझे उस समय का स्मरण हो आता है जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी का दौरा हुआ था डोडा में, उन्होंने ग्राम सुरक्षा कमेटीज़ बनाई थी और देशभक्त लोगों को हथियार मुहैया करवाए थे, और देशभक्त लोगों ने VDC जिसको आजकल कहते हैं, उन्होंने सुरक्षा बलों के कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद की कमर ही तोड़ दी थी, नष्ट निर्मूल कर दिया था। 370 धारा हटने के बाद में ये कुछ केवल कुछ लोगों को टारगेट करके सुरक्षा बलों के साथ दो दो हाथ ये कर नहीं सकते। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है समस्त देशभक्त जनता से कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। और देखिए जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप यदि अब से पूर्व 2000 पूर्व से देखिए तो उन आतंकवादियों को बिरयानी परोस के इस देश के मूर्धन्य नेता खिलाते थे। वही सवाल है, वो जो माहौल है वो परिवर्तित हुआ है। अभी आप देखिए कि आतंकवादी, उनकी आयु कितनी होती थी, वो 2-4 साल तक सरेआम घूमते थे। अभी आप देखते हो एक सर्वे के अनुसार एक आतंकवादी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देता तो 2 से 2.5 नहीं तो 3 महीने से उसकी आयु हो गई है। तो ये बहुत बड़ा रूपांतरण है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और स्थिति बहुत तेजी से सामान्य होती चली जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब आतंकवाद को हम नष्ट निर्मूल करेंगे। और केवल ये सेना का कार्य नहीं है, ये हम सब लोगों का कार्य है। हम सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के, हम यहाँ के स्थानीय लोगों का हौसला बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें और इसी हिम्मत का उत्साहवर्धन करने के लिए कश्मीर के नेताओं को बड़ी आपत्ति है। वो कहते हैं कि धारा 370 से कहीं ना कहीं एक माहौल जो है बिगाड़ा जा रहा है, और ये सिलेक्टिव किलिंग भी धारा 370 के बाद बढ़ी है, और वो कहते हैं कि कश्मीर फाइल से भी जो है भाईचारा वो भंग होता हुआ नजर आ रहा है। साल के बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, क्या ये श्रद्धांजलि जो है वो लोगों को दी जा रही है या ये किसी नामे का कोई पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए शहीदों की ये बात आपने जो पत्रकार बंधु मुझसे पूछी है, मेरे हृदय को बहुत दुख हुआ है। श्रद्धांजलि जो होती है उन शहीदों के लिए होती है जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्राण देना साधारण बात है, सबसे प्यारी हर व्यक्ति को अपने प्राण, अपनी जान, अपना माल प्यारा होता है। जिन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को त्याग दिया, विधवा पत्नी, रोती हुई राखी, रोती हुई माँ की आंखों के आंसू, उनका दर्द आप महसूस कर सकते हैं। ये शहीदी हमने जो श्रद्धांजलि शहीदों के लिए उनके लिए अर्पित की है जिन्होंने किश्तवाड़, रामबन, भद्रवा, उसकी रक्षा के लिए, मातृभूमि से पलायन ना हो इसलिए जिन्होंने प्राण आहूत कर दिए लेकिन अपनी मातृभूमि को त्यागना स्वीकार नहीं किया। ये कश्मीर के नेताओं को बड़ी आपत्ति है। देखिए गुप गार्गेंगे वो कह रहे अगर मोदी जी ने ऐसे कहा तो ऐसे हो जाएगा, देश बढ़ जाएगा। सेब केला तो नहीं है देश कि वो काट के बांट दिया जाएगा। देखिए जब तक भारत का स्वयं सेवक जिंदा है दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान के शास्त्री जी आप पे भी बहुत प्रहार करने की कोशिश की है कश्मीर के नेता जी। ये जब राष्ट्रभक्त की भक्ति की बात आ और हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उसमें विविधाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो कोई भी राष्ट्रभक्त उन आपदाओं से, उन बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। उसको बल मिलता है परमात्मा शक्ति का। संदेश ये है जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम, इतना प्यारा, हमने अपने शहीदों का स्मरण किया, हमने सतीश भंडारी जी से लेकर, रुचिर कुमार जी से लेकर, अजीत परिहार, अनिल परिहार, अनेकों 1000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी और राष्ट्रभक्तों ने बलिदान दिया, उनको स्मरण किया, उनके त्याग को बारंबार हम प्रणाम कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को बता रहे हैं कि हमारे ये वो पुरखे हैं जिन्होंने माँ भारती की अखंडता के लिए मौत को गले से लगा लिया, और उनकी
लहू से बार बार यही आवाज आई कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इससे मेरी संतानें प्रेरणा लेंगी